अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अहमद गिलानी। आज के इस वीडियो में एक और चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश बुक से ड्रग अब्यूज इन यूथ ऑफ पाकिस्तान, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज से। इट इज अ डैश रियलिटी दैट द अब्यूज ऑफ ड्रग इज ऑन द राइज इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। आपके पास फोर ऑप्शन है यहाँ पे, ग्रिम, फनी, सीरियस, नन। तो इसमें से कौन से वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है? तो इसमें ग्रिम ऑप्शन सही है। इट इज अ ग्रिम रियलिटी। ग्रिम का मतलब है बहुत ज्यादा सीरियस। नंबर टू, एवरी ईयर डैश थाउजेंड न्यू यूजर्स ऑफ ड्रग आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। हर साल कितने हजार लोग जो हैं वो ड्रग एब्यूज की लिस्ट में आ जाते हैं? 30,000, 40,000, 50,000 या 60,000? तो यहाँ पे इसका आंसर है 40,000। हर साल 40,000 लोग जो हैं वो नए ड्रग एडिक्ट बनते हैं। नंबर थ्री, द मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्ट इज दैट मेजोरिटी ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स आर अंडर द एज ऑफ डैश। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग हकीकत यह है कि ज्यादातर जो ड्रग यूज करने वाले हैं वो कितनी उम्र से नीचे हैं? 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल? तो इसका आंसर जो है वो दे आर अंडर द एज ऑफ 25, 25 साल से जो है वो नीचे हैं। नंबर फोर, अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, एक सर्वे के मुताबिक वन आउट ऑफ एवरी डैश कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज ड्रग एडिक्ट। कितने जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं? एक सर्वे के मुताबिक कितने हैं? 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं या 20 हैं? मतलब हर दूसरे कॉलेज के इतने या दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के इतने स्टूडेंट जो हैं वो जरूर ड्रग एडिक्ट हैं। तो वो कितने हैं एक सर्वे के मुताबिक? तो वो जो हैं 1 out of every 10, हर 10 में से एक जो है वो जरूर ड्रग एडिक्ट है। As students cross the dash of college, they experience the new frontiers of freedom. Students जो है वो college की क्या cross करते हैं कि वो एक नई आजादी के दौर में चले जाते हैं? तो इसका answer है threshold. Number 6, to get through these pressures, many students seek ways to obtain stress dash. जो है इन pressures में से गुजरने के लिए बहुत से students जो हैं वो रास्ते तलाश करते हैं कि उनका stress क्या हो जाए। स्ट्रेस गेम के लिए करते हैं, स्ट्रेस रिलीफ के लिए करते हैं, स्ट्रेस मेडिसिन के लिए करते हैं या नहीं? तो यह है स्ट्रेस रिलीफ। नंबर 7, डैश आर द लार्जेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर फॉर देयर यंग एडल्ट्स। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है एक्सटर्नल प्रेशर का, जो बाहर से प्रेशर आता है यंग एडल्ट्स का, वो किसकी तरफ से आता है? टीचर्स की तरफ से, मोटिवेटर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से? तो ये पेरेंट्स की तरफ से आता है। एक्सटर्नल जो प्रेशर आता है वो पेरेंट्स की तरफ से आता है। उसके बाद प्रेशर ऑन डेवलपिंग माइंड्स, ये जो छोटे छोटे माइंड हैं अभी डेवलप हो रहे हैं उनको डेवलपिंग माइंड कहा जाता है। प्रेशर ऑन डेवलपिंग माइंड्स हैज द पोटेंशियल टू अफेक्ट द डैश सिस्टम। ये इनका जो माइंड में ज्यादा जब प्रेशर पड़ेगा तो उससे कौन सा सिस्टम खराब हो सकता है? रेस्पिरेटरी, नर्वस, डाइजेस्टिव या नन? तो ये नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। फॉर डैश द डोर स्विंग्स बोथ वेज। कौन लोग हैं जिनके लिए दोनों तरफ जो है वो दरवाजे जो है वो खुलते और बंद होते हैं? फॉर डैश द डोर स्विंग्स बोथ वेज। तो ये टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, गार्डियन हैं या पेरेंट्स हैं? तो ये पेरेंट्स हैं। फिर नंबर 10, व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू डैश प्रेशर और स्ट्रेस इलीगल सब्सटेंस मेक फॉर अ वाइबल ऑप्शन। जब स्टूडेंट जो है वो क्या करना चाहते हैं, प्रेशर को एलिवेट करना चाहते हैं या एग्रीवेट करना चाहते हैं या मेंटेन रखना चाहते हैं, तो वो स्ट्रेस रिलीज करने के या कम करने के जो इलीगल चीजें उनकी तरफ जाती हैं तो वो एलिविएट का मतलब है कम करना, प्रेशर को कम करना या किसी भी चीज को कम करना। चिल्ड्रन लर्न मोर बाय व्हाट देयर डैश डू। बच्चे जो हैं वो क्या ज्यादा देखकर सीखते हैं, किसको ज्यादा देखकर सीखते हैं? टीचर्स को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को या रिलेटिव को? तो वो पेरेंट्स को ज्यादा देखकर सीखते हैं। जो पेरेंट्स करते हैं तो बच्चे भी उसी तरह करने की कोशिश करते हैं। नंबर 12, इन मैनी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इवेंट्स डैश एंड ड्रग आर ग्लोरिफाइड एंड यूज्ड एज अ साइन ऑफ प्लेजर एंड रोमांस। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में क्या चीज ज्यादा यूज होती है और उसको बहुत ज्यादा प्लेजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उसको समझा जाता है? सिगरेट, सिगार, अल्कोहल या नन? तो ये है अल्कोहल। नंबर 13, द ग्रेजुएटिंग यूथ यूजुअली परचेज ड्रग्स थ्रू डैश। जो ग्रेजुएटिंग यूथ होती है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली यूथ होती है, वो ड्रग्स ज्यादातर कहाँ से खरीदती है? फ्रेंड से, एजेंट से, डीलर से या बोथ? बीएनसी, एजेंट्स और डीलर से? तो इसका आंसर है बोथ। वो एजेंट से खरीदते हैं, वो डीलर से खरीदते हैं। नंबर 14, द कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ ड्रग डीलर्स आर वाइडली स्प्रेड इन स्टूडेंट्स डैश। जो उनके ड्रग डीलर्स के नंबर होते हैं कॉन्टैक्ट के, वो कहाँ पे फैले होते हैं? हॉस्टल्स में, कॉलेज कैफेटेरिया में, इन दोनों जगहों पे या इन दोनों में से किसी जगह पे भी नहीं? तो ये इन दोनों जगहों पे फैले होते हैं।
Number 15, efforts should be made to control the use of dash in the campuses of educational institutions. तो efforts करने चाहिए और होनी चाहिए कि जो campuses हैं educational institutions उसमें क्या चीज control की जाए, alcohol, tobacco, cigar या पान. तो यहाँ पे tobacco है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है campuses में. The word alleviate means, इसका क्या मतलब है? Make worse, make less severe, improve या ना, तो मैंने बताया था कम करना, make less severe. The word grim means, grim मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा सीरियस, तो यहाँ पे है very serious. फिर 18 है, he has been waiting dash morning, वो सुबह से वेट कर रहा है, तो उसके साथ क्या आएगा, ये क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो मॉर्निंग क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सिंस आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होगा. और फिर 19, he does not leave his house dash 9 AM, ये इस बुक की एक्सरसाइजेस में से मैंने ली है, और इसका आफ्टर बिफोर इन बाय तो आएगा, ही डज नॉट लीव हिज हाउस बिफोर 9 बजे से पहले वो घर नहीं छोड़ता अपना या घर से नहीं निकलता. माई कार इज पार्क डैश द पोस्ट ऑफिस इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट एट या सिर्फ फ्रंट, तो आएगा इन फ्रंट ऑफ. और इन फ्रंट जब भी आप लिखें तो इसमें स्पेस होगा, इन और फ्रंट कभी भी साथ नहीं लिखते, इसमें अलग अलग, ये दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, तो ये आप इसमें एक स्पेस आएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट द MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ ड्रग एब्यूज इन यूथ ऑफ पाकिस्तान. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच.